एक बार गुरविंदर जी को ढूंढिए कि वो कहां पर हैं, आगे की डिटेल बातचीत उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, इधर ही हूँ। सही है जी, दिख नहीं रहे भाई, अभी थोड़ा पास में आई तो थोड़ी पगड़ी ऊपर से दिख रही है। पहले कुछ गाय होती थी उसमें थोड़ा बहुत तो दिखता था। हाँ जी, इसमें तो वो भी नहीं दिख रहा जी। सही है जी। अब गाय की हाइट, लेंथ और नस्ल, आर्डर, आंचल, मेरे हिसाब से गाय में यही चीजें मेन होती हैं। सही बात है भाई। पतली चमड़ी और टोटल की टोटल गुण इसमें है। कुलवीर जी, ये गाय ब्याई हुई है। अच्छा जी। और मेरे घर पे 3 दिन से आई हुई है। हाँ जी। टाइम टू टाइम मिल्किंग है। अभी इस गाय के नीचे 24 लीटर दूध तैयार है। ओके। कोई भी भाई वीडियो देखने वाला भी 2 टाइम 3 टाइम मिल्किंग करना चाहे तो वो करवा दूंगा। अंत किया जी, अभी ब्याने वाली है जी। अच्छा जी। ब्याने वाली है, 5-15 की जो रखी थी उसमें से एक गाय, और अडर क्वालिटी आप देख सकते हो, थोड़ा सा आंचल जो आगे को जाते हैं। सही है, वो अपने वीडियो में बोल के देंगे जो चीज़ जो है वो बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सीधे होंगे लेकिन बिल्कुल नहीं होंगे। ये भी ग्राहक को भी बोल के दी और वीडियो में भी बोल रहा हूँ, थोड़ी सी वादी के कारण है लेकिन यही रहेंगे। है गाय में, ज्यादा क्रॉस नहीं है। सही है जी। मुंह से 2 दांत है जी अभी। अच्छा जी, पहली बार की है तो ही दिखा रहा हूँ आपको। शानदार चीज है ये, अंदर बंदी हुई दिख नहीं रही थी। दिखाने का मतलब यही है, अभी बोलने को तो ये 2 दांत जो बोल रहा हूँ दिखा के ये ग्राहक को फिर दी है जी। पहली बार की और अभी ब्याई हुई है। अच्छा जी। 20 लीटर दूध अभी तैयार है जी। भाई साहब, लाल जी देसाई जी, गुजरात से, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल कांग्रेस के, तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से कुछ बताने की परिचय की जरूरत नहीं। आप YouTube पे देखोगे, Facebook पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये वास्तव में भी क्या चीज़ है। आपके साथ हम लोग घूमे पूरा 2.5 दिन, यहाँ पर अलग अलग धाणियों में, गाँव में, फार्म पे, सब जगह पर गए और सब कुछ देखने के बाद लगा कि ये कभी हमने इनको बोला हुआ था कि भाई ये गाय, हम जैसे 6 गाय का एक लॉट हम लोग खरीद रहे थे तो हमने जो बोला और उन्होंने हमारे मन को समझ लिया, सामने वाले को भी समझा, पर साथ साथ में भी कहेंगे कि ये बात नहीं करते हैं कि उनसे कुछ अलग बात और हमसे कुछ अलग बात, दोनों को आमने सामने बात करवाते हैं। दोनों को आमने सामने बात करवा के वो हमारी जरूरतों को, हमारे बजट को, हमारे गाय को लेकर जो सोच है उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं गुरविंदर सिंह गिल, गिल डेयरी फार्म श्री गंगानगर राजस्थान में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की जो वीडियो आपके सामने आ रही है इसमें गाय तो आगे जाके दिखाएंगे लेकिन इसमें जो आपको परिचय दिया जाएगा, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो हम अपने आप एक सौभाग्य मानते हैं कि हमारे पास इतने बड़े बंदे गाय खरीदने आए हैं तो हमारे को उन्होंने भरोसा दिखाया, तो मैं आपको उनका परिचय दूंगा। हमारी वीडियो अंत तक देखें और उनका अनुभव भी आपको दिखाएंगे। और ये गुजराती भाइयों के लिए तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि गुजरात में कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो भाई साहब को नहीं जानते होंगे। जय भाई साहब, लाल जी देसाई जी, गुजरात से, राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा दल कांग्रेस के, तो इससे ज्यादा मेरे हिसाब से कुछ बताने की परिचय की जरूरत नहीं। आप YouTube पे देखोगे, Facebook पे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये वास्तव में भी क्या चीज है। मैं जितना के व्यक्तिगत तरीके से इनको जाना, 3 दिन रहा, राजनीति में बहुत से लोगों से मेरा संपर्क रहा है, लेकिन वास्तव में मैं मेरे पास खड़े हैं तो नहीं बोल रहा, दिल से बोल रहा हूँ कि अलग शख्सियत हो आप, जो आपकी मतलब सोच, राजनीतिक लोगों की ये सोच मेरे को बहुत कम मिलती है। आपने जब एक बहुत बड़ी बात आपने बोल ली और मेरे को दिखी भी, आप करप्शन के बहुत खिलाफ हो और वो मैंने दिखा भी। उसका छोटा सा एग्जांपल मेरे को मिल गया, ये गंगानगर में रुके, इनकी बहुत सी टीम यहाँ पर आई लेकिन खुद के खर्चे पे रुके, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ और पहली बार देख रहा हूँ सर जी ये बात, मैं इस चीज का आपका आभारी भी हूँ। हाँ, दूसरी बात, जब मैंने इनका भाषण में सुना तो ये अलग लाल जी देसाई जी थे, वो वहाँ एक अध्यक्ष, लेकिन यहाँ जब आए तो जो इनका मतलब सिंपल किसान जो खुद गाय का दूध निकाल रहे हैं यहाँ आकर, तो मैंने इतने बड़े पद पे कोई बंदा और इस लेवल पे अपना जीवन चल रहा उनका तो मैंने कभी नहीं देखा। बहुत ही सिंपल रहना, सादगी में रहना, तो ये चीजों का हम आपके एक मतलब फैन हो गए जी, तो उसका कारण आपको मैंने ये भी बोला भी हमारी भी रुचि और ये भी हम आपकी तरफ जुड़े,
ये बात आपको, जैसे आप सोशल वर्कर बोल रहे हो, जो भाई साहब ने बताया आप एनजीओ भी चला रहे हो, तो मतलब पुराना संघर्ष आपका मैंने जब सुना, तो गाय तो देखो बहुत से बेचनी है, रोज ही बेचते हैं, लेकिन आपके जैसे बड़े भाइयों से हमको एक शिक्षा मिलती है, हमने सीखा आपसे बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात तो ये सीखी, आप कहीं भी पहुंच जाओ लेकिन जमीन नहीं छोड़नी, तो ये चीज मैंने आपसे सीखी कि जितना मर्जी आपके पास पैसा आ जाए, पर जो आप आज धरातल पे जुड़े हुए हो, आप बिल्कुल यार लो लेवल पे गाय खरीदना, गांव गांव घूम के आपको क्या जरूरत है, आपने तो एक फोन करना था घर गाय पहुंच जाती थी, तो लेकिन फिर भी आपने आके खुद सिलेक्शन किया, तो मैं इस चीज का आपका धन्यवाद, और उससे बड़ी बात आपने मेरे पे भरोसा किया। अब जो बात है, आप पहले तो गुजराती भाइयों को आप कोई मैसेज देना कि मेरा कैसा बंदा हूं, जो आपको अनुभव लगे। एक तो गुरिंदर भाई आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, फोन पर जब आपसे बात हुई वो हमारे इंद्रपुरा के लाल भाई ने आपका परिचय दिया था, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आप जैसे बंदे से हमारा संपर्क करवाया। मैं शुरुआत में आ रहा था तो एक प्रकार का वो डर, क्योंकि वो रहता ना कि आजकल गाय खरीद और बेचने में दलाल और बाकी लोग हैं वो मिलकर, और व्यापारी लोग इतना बड़ा चीटिंग करते हैं कि विश्वास किस पर करें। आपके साथ हम लोग घूमे पूरा 2.5 दिन, यहाँ पर अलग अलग ढाणियों में, गांव में, फार्म पे, सब जगह पर गए, और सब कुछ देखने के बाद लगा कि ये कभी हमने इनको बोला हुआ था कि भाई ये गाय हम जैसे 6 गाय का एक लोट हम लोग खरीद रहे थे, तो हमने जो बोला और उन्होंने हमारे मन को समझ लिया, सामने वाले को भी समझा, पर साथ साथ में भी कहेंगे कि ये बात नहीं करते हैं कि उनसे कुछ अलग बात और हमसे कुछ अलग बात, दोनों को आमने सामने बात करवाते हैं, दोनों को आमने सामने बात करवा के वो हमारी जरूरतों को, हमारे बजट को, हमारे गाय को लेकर जो सोच है उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। और कभी कभी हमने ये भी देखा कि हम तीन भाई जब चर्चा करते थे क्या चर्चा हो रही है, फिर हम तो फिर वो बोले थे अच्छा आपके मन में ये फिगर चल रहा है, तो ये एक व्यापारी के साथ डील करते हुए इनका तजुर्बा और एक किसानों के साथ बात करते हुए इनका तजुर्बा इतना है कि हमारे मन में क्या चल रहा है और सामने बेचने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो दोनों वो कुदरत की शक्ति है, बहुत कम लोगों को होता है। दूसरा आपका पारदर्शिता भी हमने देखा कि कोई बीच में घपला नहीं है, सीधी साधी बात, गाय पसंद नहीं आई हमारा चेहरा देख के उनको मालूम चल जाता है कि ये गाय इनको पसंद नहीं आई है, तो वो वहां से तुरंत ही बोले चलो निकलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि किसान को ये गाय पसंद है कि नहीं है। दाम के तौर पर मैं इतना ही कहूंगा, जो उन्होंने बोला था कि आपको इस रेंज से इस रेंज के बीच में मिलेगी, हमने ज्यादातर जो गाय है वो हमने सोचा था 80-85 वाली गाय जो है हम लेंगे, तो वो 80-85 के रेंज में, कोई गाय 1 लाख वाली भी ली है तो कोई गाय 70,000 वाली भी ली है, पर एक 80-85 का जो हमारा रेंज था वो भी उन्होंने अच्छे से समझ लिया था, गाय क्वालिटी वाली मिली हमको, उस बात की खुशी है। और अभी तक जो हमारा अनुभव रहा कि बड़े घर की तरह वो होता ना कि एक अपना पारिवारिक मामला जैसा हो जाता है, वैसा बिल्कुल पारिवारिक आपका, आपके परिवार से भी मिलने की खुशी हुई, आप स्कूल चलाते हो वो जानकर और खुशी हुई, आपकी जो जीवन साथी है वो भी स्कूल में हमको मिली, तो एक होता है ना कि लोग दलाल दलाल की तरह, व्यापारी व्यापारी की तरह नहीं है, यहाँ पर एक पारिवारिक तरीके से चीजों को आप देखते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद। और आपकी ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि जो मुझे आप बोल रहे थे, जो मेरा भी जीवन पद्धति है कि अपनी जड़ों से वहां पे नहीं उखड़ना चाहिए, और मैं लगातार कहता हूं कि जो पेड़ अपनी जड़ से उखड़ जाता है ना वो पेड़ कहीं का नहीं रहता है, कितनी भाई कोशिश करो और जगह पे वो नहीं लग सकता है, तो आप भी जड़ों से जुड़े हुए, हम भी जुड़े हुए। मैं गुजरात के लोगों को भी कहूंगा कि आपको लगे कि भाई आपको सही मायने में कोई चीटिंग ना हो, गाय खरीदनी है तो गुरविंदर भाई का संपर्क करिएगा। यूट्यूब में तो आजकल बोलने का पैसा एक दूसरे को लेते हैं देते हैं, पर ये दिल की बात बोल रहा हूं क्योंकि मैंने गाय खरीदी है, और वो मैं मानूंगा कि वो सभी के सभी जो दोनों ट्रक लोड हमने खरीदा है, 2 गाड़ी यहाँ से कि 15 गाय गुरिंदर भाई से ली है, तो वो 15 की 15 गायों का वीडियो भी आप जरूर एक बार बताना उनको, ताकि पता चले कि हम सिर्फ बोलने की नहीं, वास्तविकता है। मेरे दोनों भाई जो हैं दशरथ और दिनेश दोनों साथ में, हमारा बचपन से गायों का अनुभव है, गायों के पैरों के बीच में ही खेल के बड़े हुए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, गाय का 2 ना 3 हो 2 लेते हैं, चौथा भाई घर पे
वो भी धो लेता है सर जी, आपके जितना तो मैं नहीं धो सकता जी। जो रोज गाय दूता वो तरीका जो मैं बहुत खुश हूँ आप, मैंने उसकी क्लिप भी बनाई है वीडियो में आपको भेजूंगा जब आप दूध निकाल रहे थे, तो उस चीज से मैं तभी मेरे मन में एक बात आई यार आपको क्या जरूरत है तो आप फिर भी कर रहे हो। ये सबसे बड़ी बात आज भी अपने पुराने खित्ते से पुराने काम से आप जुड़े हुए हो बिल्कुल। और मैं मानता हूँ हर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान हो तो साथ साथ में खेती और पशुपालन का ज्ञान हो, क्योंकि कंप्यूटर खाना नहीं देने वाला है, मशीन खाना नहीं देने वाला है, वो प्रोसेस जरूर कर सकता है पर बनना तो है वो अपनी धरती से है, तो धरती से नहीं जुड़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप भी धरती से जुड़े हुए तो बड़ा आनंद मिला। और एक अच्छी बात जो मुझे लगी कि एक पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं तो खरीदने वाला टेंशन फ्री रहता है, नहीं तो खरीदने वाले को सबसे बड़ा होता है धोखा होने का। ये पूरा घर तक कैसे गाय पहुंच जाएगी वहां तक का एक पूरी तरीके से उनका प्रोसेस भी है, सर्टिफिकेट है, ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई। और मुझे आज मतलब ये उम्मीद है कि आज भी आप में किसान जिंदा है, धन्यवाद, है ना। वो नहीं तो आजकल तो होता क्या है कि व्यापारी या दलाल बनने के बाद वो किसान अंदर वाला मर जाता है, आप में वो किसान जिंदा है। धन्यवाद आपका। मैं सभी गुजराती भाइयों को एक देखो राजनीति की बात करनी नहीं चाहिए लेकिन मैं क्यों कर रहा हूं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं एक बार इनके बारे में आप जानो फिर सोचो भी आपने कहां जाना है। राजनीति में इससे अच्छा भाई साहब से जो मतलब इनका पद अध्यक्ष है वो बात नहीं है, जो वर्कर के तौर पे भी देखो तो मैंने नहीं देखा जी, क्योंकि इनकी बातों में कहीं देखा ही नहीं खुद, तो इन्होंने कभी ऐसी मेरे मन में तो नहीं है भी ये कभी करप्ट वाली तो बात ही नहीं है। तो राजनीति में सबसे बड़ी बात तो यही होती है कार्यकर्ता का स्वाभिमान जिंदा है तो देख लिया, हम सब जिंदा हैं, कार्यकर्ता का स्वाभिमान मर जाएगा तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे। किसी और की जेब से 100 रुपया लगता है तो उनको तकलीफ होती है, इससे बड़ी मैं प्रमाण नहीं कोई दे सकता है। तो ये चीज को आप नोट रखो सभी भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सहयोग किया आपने मेरा, मेरा भी सहयोग किया आपने, मेरे को भी ज्यादा मतलब वो मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि आप एक जानकार थे गाय के भी। और गुजरात के साथियों को कभी देखना हो तो बेचरा जी के बगल में कामधेनु डेयरी फार्म है जी, वहाँ पे गोपनाथ ट्रेनिंग सेंटर है, गांव का नाम ही मेरा है, मेरा गांव है तो वहाँ पे मेरा मतलब अपनापन भी है। आइए आप भी मुलाकात लीजिएगा, गाय भी देख सकते, व्यापार नहीं करते हम, गाय भी देख सकते हैं, जाफराबादी भैंस भी देख सकते हैं, बन्नी की भैंस भी देख सकते हैं और गिर की गाय भी आने वाले समय में वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप भी वहां पर देख के फिर इधर आ सकते हैं, सबसे बड़ी बात वहां देख के आओ भी एक अध्यक्ष की बात नहीं, वहां एक किसान है, सबसे बड़ी बात ये। तो सभी सभी व्यूवर का धन्यवाद और आपका बहुत बहुत, और हम अपने को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं मतलब हमें बड़ी खुशी, एक मुख्यमंत्री लेवल के मैं बोल सकता हूँ, मैं अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूँ, समझते हो आप समझते हो, लेकिन हमारी नजर में हमें पता है भी आपका क्या रोल है पार्टी में, तो उस लेवल के भाई साहब हमसे कोई गाय लेके जा रहा है तो बस इससे बड़ा मतलब मेरे काम की तसल्ली होगी मेरे को, तो ये भी संतुष्टि है जी। नमस्कार, धन्यवाद, हाँ जी दोस्तों बातचीत काफी होगी जी, अब इससे आगे गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहली गाय आप लोगों के सामने आ चुकी है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, एक बार गुरविंदर जी को ढूंढिए कि वो कहाँ पर हैं, आगे की डिटेल बातचीत उन्हीं से जानते हैं। हाँ जी, जी इधर ही हूँ। सही है जी, देख नहीं रहे भाई, अभी थोड़ा पास में आए तो थोड़ी पगड़ी ऊपर से दिख रही है। पहले कुछ गाय होती थी उसमें थोड़ा बहुत तो दिखता था, हाँ जी, इसमें तो वो भी नहीं दिख रहा जी। सही है जी, अब गाय की हाइट, लेंथ और नस्ल, आर्डर, आंचल, मेरे हिसाब से गाय में यही चीजें मेन होती हैं। सही बात है भाई, पतली चमड़ी और टोटल की टोटल गुण इसमें है, वो 36 के 36 गुण मिलते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, वो सारे मिल रहे हैं इसके। सही है जी, देखो जी पता क्या जी, अब ये गाय है इसको 45 लीटर बोल लें, 50 बोल लें, 40 बोल लें तो माना जाएगा। सही है जी, तो लेकिन अपने 35 लीटर बोलेंगे और 35 निकलेगा भाई, घुमाते रहिए थोड़ा सा इधर को लेकर, चक्कर लगाते रहिए ऐसे। देखो गाय की ये, अब इसके बारे में बोल दूं, लेग स्कोर इसका और इसकी ब्रीड, ये फलानी की रिकॉर्डेड है, ब्रूड की है जी, तो इसकी माता का रिकॉर्ड, ये नस्ल, वो सब फालतू बातें, हमें कुछ नहीं पता, हमें इस गाय का पता है 35 लीटर दूध दे देगी, दूसरी बार की है जी। ओके जी, लेके आओ वापस,
कितना समय गुरविंदर जी ब्याही हुई है कि ब्याहने वाली है? ब्याहने वाली है जी अभी। कितना समय पड़ा जी अभी? वही तो बात है, अभी ब्याहने वाली है तो ही कह रहा हूँ 50 लीटर भी बोल सकते हैं। सही है जी, लेकिन नहीं इतना 35 लीटर दूध की मान के दी है। अब हमने ये गाय 6 रखी थी। हाँ जी, 6 गाय में 5,15,000 की। ओके, वो भी 4-5 दिखाएंगे, वो भी बढ़िया गया। उसकी एवरेज में तो जो 87 की पड़ी है। अच्छा जी, लेकिन गाय अकेली वैसे तो 2 लाख की पंजाब में कहीं और मतलब बिकती है, 2 लाख 1.5 लाख से तो कोई भी बोल देगा, लेकिन हमारे 1-10 की मान लो यार। ओके जी, 1-10 की दी गई है। दी तो 87 की एवरेज में है। अच्छा जी, इसको अकेले को हमने आप 1-10 मान लो। ओके जी, और दूध 35 लीटर भाई जी, दे मतलब बताने की जरूरत नहीं, आप गाय इधर लेके आओ नजदीक। आंचल देखो, आंचल में गैप देखो, इधर लिया फेस क्वालिटी, हाइट लेंथ और आंचल में क्वालिटी अडर। अब मैं गारंटी देता हूँ, मैं बहुत सी वीडियो देखता हूँ, इतना इतना अडर होता है और 50 लीटर दूध 45 लीटर पता नहीं कैसे बोल देते हैं। अरे इतना अडर है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही 40 लीटर बोलने की, 35 लीटर बोल के दे रहा हूँ और देगी। तो ये बात है, ये अपने जो है वो ही बता के देंगे। ऐसी गाय को कुछ भी कोई बोलते, 1.25 लाख 1.5 लाख लगा लो, 1-10 की मान के दिए। इससे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों एक और काफ़ी अच्छी गाय आप लोगों के सामने है जी। बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा, कद काठ अच्छा, अडर भी काफ़ी शानदार, रुकने का स्टाइल देखिए घोड़ी जैसी गाय बोलना चाहूँगा। गुरविंदर जी डिटेल बताते जाइए भाई, आप थोड़ा थोड़ा गाय को चलाते जाइए जी। कुलवीर जी ये गाय ब्याही हुई है। अच्छा जी, और मेरे घर पर 3 दिन से आई हुई है। हाँ जी, टाइम टू टाइम मिल्किंग है। अभी इस गाय के नीचे 24 लीटर दूध तैयार है। ओके, कोई भी भाई वीडियो देखने वाला भी 2-3 टाइम मिल्किंग करना चाहे तो वो करवा दूंगा जी। ओके जी, और ग्राहक को हमने 18 लीटर बोल के दी थी, जिस दिन ली थी परसों उस दिन 18 लीटर तैयार था, 18 दिन आ के दी, 18 लीटर ही बोल के दी थी। 18 लीटर जितना तैयार था उतना ही बोलेंगे ना भाई जी। अच्छा जी, आज 24 लीटर है। सही है, और वो भी वीडियो पे दिखा दी, और चमड़ी की 1 नंबर है जी। सही है जी, सबसे देखो गाय की ना थोड़ी सी सुंदरता में कमी मैं कह सकता हूँ। एक तो पैर बनाने वाले, एक मुंह सफेद है, हर बंदा पसंद नहीं करता। सही है जी, ये गंगानगर की प्रॉपर हल्का जिसमें क्रॉस होता है वो गाय है। अडर क्वालिटी और आंचल में गैप, और आंचल कितना प्यारा और ठंडा स्वभाव, बहुत कम गाय में होती हैं ये चीज़ें। आप मेरी कोई भी वीडियो कोई भी गाय देखोगे सारी सबसे पहले मैं वो देखता हूँ, गाय ठंडी होनी चाहिए क्योंकि सभी के घर के दूने वाले होते हैं। हाँ जी, तो औरतें दूती है तो गाय गर्म ना हो, जो चीज़ें ठंडी स्वभाव इतना है गाय का। आप देख रहे हो आंचल में गैप और अडर। हमने 3 गाय रखी थी 2,40,000 रुपये की। 3 गाय, उसमें से 1 है कच्ची, 2 है ब्याई, जो दूसरी ब्याई है उसके नीचे भी पहली बार की बछड़ी 20 लीटर दूध अभी तैयार है। बहुत अच्छी, मतलब कहने का भाव ये भी अपने 20 लीटर से कम किसी को देते ही नहीं। सही है जी, ले आइए भाई, थोड़ा सा घुमाते रहिए जी, कोई बात नहीं, घुमाते रहिए। दिखाओ गाय की शानदार अडर क्वालिटी, आंचल और फिट अडर की है, बिल्कुल फिक्स। सही बात है, ले जाइए भाई। हाँ, बांधिए, अपने जो ब्याई है उसका दूध बता के देंगे और जितना है उतना ही बताएंगे। ओके जी, तीसरी गाय ले आइए। कालू बीज, इसे आगे तीसरी गाय दोस्तों आप लोगों के सामने आ चुकी है जी। क्वालिटी देखते जाइए, रंग रूप ब्रीड क्वालिटी काफ़ी शानदार है, और डिटेल आगे की जो है गुरविंदर जी से जानते हैं भाई। चलाते रहिए, दूसरी ब्यांत की है जी, अभी ब्याने वाली है जी। अच्छा जी, ब्याने वाली है, 5-15 की जो रखी थी उसमें से 1 गाय, और अडर क्वालिटी आप देख सकते हो, थोड़ा सा आंचल जो आगे को जाते हैं। सही है, वो अपने वीडियो में बोल के देंगे जो चीज़ जो है वो बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सीधे होंगे लेकिन बिल्कुल नहीं होंगे। ये भी ग्राहक को भी बोल के दी और वीडियो में भी बोल रहा हूँ, थोड़ी सी वादी के कारण है लेकिन यही रहेंगे। मैं बोल दूँ भी गैप बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा, धिमकड़ा हो जाएगा, वो नहीं, सही एज इट। तो दूसरी ब्यांत की है जी, अडर क्वालिटी आप देख सकते हो, ब्याने वाली है। मैं 35 लीटर दूध बोलूं तो चलेगा, लेकिन 25 लीटर बोल के दिए। 25 बिल्कुल देगी, देगी भाई, मतलब ऐसी मेरे को नहीं लगता भी नहीं देगी। ये अडर है, ये स्वभाव है, इसको 35 लीटर हर वीडियो में कोई बोल के दे देगा तो मर मानेगा बंदा, लेकिन मैंने 25 मान बोल के दी है। सही, और 25 की गारंटी है। घुमाइए जी, थोड़ा सा एक चक्कर लगा दीजिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है जी,
बातचीत गुरविंदर जी के साथ आपको करनी है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग की गाय आप लोगों को मिल जाएगी। हर दिन नई नई वीडियोस लाते रहते हैं, गाय दिखाते रहते हैं, ले जाइए भाई, बांधिए। गोल मिटोल है जी। हाँ जी, चौथी गाय इससे आगे ले आइए। इससे आगे दोस्तों दो और गाय एक साथ आप लोगों के सामने आ चुकी है। पहले क्वालिटी देखिए, एक HF में पड़ती है और दूसरी है जर्सी में पड़ती हुई, जर्सी क्रॉस में बोल सकता हूँ। क्वालिटी देखते जाइए, डिटेल गुरविंदर जी से जानते जाएंगे। हाँ जी गुरविंदर जी, दो गाय दिखाने का मतलब ये भी वीडियो लंबी होती है जी। हाँ जी, अब ये वो परली लाल वाली दिखाता हूँ मैं आपको। ओके जी, रेड एंड ब्रीड बोल सकते हैं, थोड़ा जर्सी बोल रहे हो, नस्ल है गाय में, ज्यादा क्रॉस नहीं है। सही है जी। मुंह से दो दांत है जी अभी। अच्छा जी, पहली बार की है तो ही दिखा रहा हूँ आपको, मुंह से दो ही दांत। हाइट शानदार चीज है, ये अंदर बंधी हुई दिख नहीं रही थी। दिखाने का मतलब यही है अभी, बोलने को तो ये दो दांत जो बोल रहा हूँ दिखा के ये ग्राहक को फिर दी है जी। पहली बार की और अभी ब्याई हुई है। अच्छा जी, 20 लीटर दूध अभी तैयार है, निकालने वाला 20 अभी नेट रेडी है, 6-7 दिन की ब्याई है जी। ओके जी, मतलब 22-23 बोल के मैंने दी थी, 20 अभी है, 25 दे देगी। सही है, चलाओ भाई, थोड़ा सा घुमा दीजिए एक बार अच्छे तरीके से। और पहली बार में जो गाय 20 लीटर दूध भी है दो दांत में, तो तीसरे दांत में जाके कितना, इधर ले इधर, कितना देगी वो आपको भी पता है जी। सही बात है जी, सही बात है। लेकिन पहली बार में 25 लीटर आराम से देगी, चमड़ी चुमड़ी की अच्छी है, अभी थोड़ी सी पतलापन जो आया है वो ब्याने के कारण है। ओके जी, इससे आगे गुरविंदर जी जो साथ वाली दूसरी गाय है जी उसकी डिटेल शेयर कीजिए। जो किसी की वीडियो में देख लो हर बंदा दूसरी बोलता है लेकिन तीसरे है जी। अच्छा जी, और ये गाय दिखाने का मतलब सिर्फ ये था, अभी ये भी ब्याई हुई है। अच्छा जी, आप इसका अनुमान लगाओ दूध कितना होगा आपके हिसाब से, और ब्याई हुई को अभी 8 दिन हुए हैं। 8 दिन, 8 बजे की दुई है, अभी तो 6 बजे हैं। नहीं हाँ, अनुमान लगाओ दूध का। मेरा अनुमान तो ये है भाई, 25 तक तो होने वाला है आराम से। अभी 28 लीटर है। अच्छा जी, अभी है 28 है नेट, बिल्कुल दो टाइम दुआ के। थोड़ी सी ऊपर से हल्की जरूर है लेकिन क्वालिटी काफी, कुछ तो ब्याई है, कुछ ये हड्डी ऐसी रहेगी इसकी, मैं बोल दूं भी ब्याई के कारण ज्यादा कमजोर होगी, ऐसा कुछ नहीं है। गंगानगर की गाय ब्याने के बाद हल्का फुल्का फर्क रहता है लेकिन वैसी रहती है, लेकिन ये इसकी बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है। Okay. लेकिन जो खाएगी वो दूध को ही लगता है जी, पर हम भी हैरान है 28 लीटर दूध। हाँ जी, जब ग्राहक ने हमको बताया था तो हम माने नहीं, लेकिन जब निकाला तो दो बाल्टी निकाल के लिया। अच्छी बात, ये बात है जी। तो हम गुरविंदर जी, ये होगी आज वाली अपनी इन गायों की डिटेल। हाँ जी, ये जा रही है गुजरात के, ये गुजरात। बीच बीच में से गाय हम लोगों ने चलाकर दिखा दी, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाय दिखाई गई जी। जी जी, आज के दिन में गुजरात से कितना कस्टमर भाई आ रहा है आपके यहाँ पर? देखो जी, वैसे तो लोग कह रहे हैं गुजरात का ग्राहक नहीं है, गुजरात का ग्राहक ऐसे, लेकिन आप मेरे पास पिछली मेरे हिसाब से 10-12 वीडियो बनी है, तो उसमें से दो वीडियो को छोड़ के 10 गुजरात की होगी, ज़्यादा गुजरात के। हाँ जी, तो अपनी अपने पास लाइन बहुत है गुजरात की, क्यों है? हाँ, जितने भी ग्राहक है आपने देखा सब पुराने हैं, उसमें से एक ग्राहक तो 109 गाय ले गए। सही है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने बातचीत की। दूसरे भाई आए थे, उनकी वीडियो तो अपने बना ही नहीं सके साथ, बीच में वो थराद के आए थे भाई, उनकी एक गाड़ी थी, वो भी मेरे पास, मतलब उस गांव में आप मानो 70-80 गाय मेरी उस गांव में हो गई। 8वीं 9वीं बार वो आए थे, रात उनसे बात की, जो मैंने मेरी मर्जी से बछड़ियाँ दी थी वो 30-30 लीटर तैयार रखी है, वो दोबारा आने को तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, तो गुजरात अपने पास तो है जी, बाकी तो देखो कृपया भगवान की, आ रहे हैं कहीं ना कहीं से, उदयपुर से भी भाई आए हैं, ग्राहक कहीं का भी हो जी, अपने को तो सभी एक से ही है। ओके जी, अंत में प्रॉपर एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर भाई। अपना गांव 3G छोटी, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान। फोन नंबर गंगापुर नहीं, गंगानगर है जी। मोबाइल नंबर 9983514190, 9835314190 अपना मोबाइल नंबर है। ओके जी, धन्यवाद जी, अच्छा लगा बातचीत करके।